या नहीं। अब सेकंड नंबर है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में सेम इसी तरह इंस्ट्रूमेंट होता है और ये क्या शो करता है वोल्टेज। मैम सेम है दोनों। हाँ लेकिन इसका अलग फंक्शन है। ये क्या बताता है हमें कि उस इंस्ट्रूमेंट में कितनी वोल्टेज फ्लो हो रही है, कम वोल्टेज है या ज्यादा वोल्टेज है। ये इसमें हम वोल्टमीटर को अटैच करेंगे उस इंस्ट्रूमेंट में और उसके बाद फिर हम पता करेंगे कि इसमें कितनी वोल्टेज आ रही है या जा रही है। जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं उनमें वोल्टमीटर को और अमीटर को यूज किया जाता है। और एक इंस्ट्रूमेंट आपने अपने घरों में देखा होगा स्टेबलाइजर को यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करता है, स्टेबल करता है। यानी कि अगर कभी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा आ गई तो क्या होगा, आपका इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, खराब हो जाएगा। अगर उसमें स्टेबलाइजर नहीं लगा होगा, जब स्टेबलाइजर लगा होगा तो वो क्या करेगा, उस करंट को स्टेबल करेगा। यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट में जितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है उतनी इलेक्ट्रिसिटी वो पास करेगा, बाकी इलेक्ट्रिसिटी वो नहीं पास करेगा। या फिर कभी होता है कि वोल्टेज बहुत कम आ जाती है, बहुत डाउन होती है, तो उससे भी क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, खराब हो जाते हैं। तो इसलिए हर एक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट में स्टेबलाइजर यूज किया जाता है ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सही से उसमें पास हो सके और वो इंस्ट्रूमेंट खराब ना हो। और ये अमीटर और वोल्टमीटर, अमीटर पता है इलेक्ट्रिसिटी, पता है आपको कैसे, और एक होता है गैल्वेनोमीटर, ये भी सेम स्ट्रक्चर है गैल्वेनोमीटर। मैंने तार नहीं इसमें दो, हाँ तार इसमें अटैच करके फिर इसको जोड़ती। ये गैल्वेनोमीटर है, ये क्या करता है, ये भी इंस्ट्रूमेंट में लगाया जाता है और गैल्वेनाइजेशन का एक प्रोसेस होता है उसमें ये यूज किया जाता है। और ये वहां पर वो प्रोसेस आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोड एंड कैथोड, इलेक्ट्रोड और कैटायन एंड एनायन। कैटायन कौन से होते हैं, पॉजिटिव, और एनायन नेगेटिव। और कोई सेल है उसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्या कहते हैं उन इलेक्ट्रोड्स को, कैथोड इलेक्ट्रोड्स को क्या कहते हैं, कैथोड एंड इलेक्ट्रोड, एनोड, कैथोड एंड एनोड। अच्छा कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज, और एनोड पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इसमें आइंस कैसे कलेक्ट होते हैं, अपोजिट। अगर जैसे कैथोड है वो नेगेटिवली चार्ज है।